नमस्कार, आज हम बात करते हैं कि जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर है, RRC जयपुर में अप्रेंटिस जो नई वैकेंसी है उसका ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले RRCjaipur.in पे आ जाना। आपको यहाँ पे ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इस पे आपको अप्रेंटिस ऑनलाइन ई एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर क्लिक कर देना है इस फॉर्म को फिलअप करते टाइम पर। और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पर एक बार देख लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पे जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो नया एक पॉपअप ओपन होगा। फॉर्म फिल करते टाइम आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा और एप्लीकेंट लॉगिन का, और कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको यहाँ पे देख सकते हो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके। तो मैं यहाँ पे पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको यहाँ पे कैंडिडेट का आपका नाम फिलअप कर देना है जो 10th की मार्कशीट के आधार पर होगा। यहाँ पर पिताजी का नाम फिलअप करना है, यहाँ पर माँ का नाम फिलअप कर देना है। आपको यहाँ पे अपना जो जेंडर है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मेल हो फीमेल हो जो भी कैटेगरी है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपनी फिलअप कर देनी है, ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ पे एज शो हो जाएगी। इसके बाद आपको अपना जो कैटेगरी है, जो कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेना है। SC ST OBC जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप विकलांग है तो आपको यहाँ पे यस कर दीजिएगा, और अन्य नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर एक्स सर्विस मैन हो तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, और उसके बाद आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे सबमिट कर देनी है। हम यहाँ पे नो पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है ताकि वहीं आपकी लॉगिन आईडी होगी। इसके बाद आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिलअप कर लेना है जिस पर OTP आए, और यहाँ पे बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है कि 10th मार्कशीट कौन से बोर्ड से की थी। आप यहाँ पे हम यहाँ पे हमारी जो राजस्थान है बोर्ड वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, 10th क्लास कौन सी ईयर में पास की वो आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको रोल नंबर फिलअप करना है। यहाँ पे आपका अपना जो पासवर्ड है वो फिलअप करना है। पासवर्ड की पॉलिसी किस प्रकार से होनी चाहिए वो यहाँ पे देख सकते हो। पासवर्ड 8 अक्षर तक बड़ा होना चाहिए, उसमें एक कैपिटल, एक स्मॉल और न्यूमेरिक और स्पेशल करेक्टर होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद वापस से आपको पासवर्ड को री एंटर करना है। इसके बाद सिक्योरिटी कोड है वो आपको यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है वो दर्ज करना है और रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछेगा एप्लीकेंट लॉगिन, यहाँ पे आप ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ रखना चाहते हैं या ईमेल आईडी और पासवर्ड रखना चाहते हैं। तो हम ईमेल आईडी और पासवर्ड रखते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज कर देना है, कैप्चा कोड फिलअप करना है और आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर आपके जो रजिस्ट्रेशन में डेट डिटेल्स थी वो आपको यहाँ पे शो हो जाती है, मेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ। यहाँ पे आप सिलेक्ट गवर्नमेंट आईडी आप कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड जो भी हैं। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। आधार कार्ड के नंबर फिलअप कर देना है, ठीक है। वो नीचे आना है आपको, यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम आपने पहले यहाँ पे आपका स्कूल का नाम वो फिलअप कर लेना है। 2021 टोटल कितने मैक्सिमम मार्क्स थे वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, कितने मार्क्स आपको मिले वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। अब यहाँ पे हमें 600 में से 540 मार्क्स मिले थे तो यहाँ पे 90% हो जाते हैं। इसके बाद आप अप्लाइंग अंडर कौन सी यूनिट के लिए आप करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे जयपुर RRC के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे ITI ट्रेड है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, आप कौन सी ट्रेड के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन है तो उसके लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ट्रेड का नाम आपको इलेक्ट्रिशियन पावर, ITI कौन सी ईयर में पास की वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। NCVT सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। डेट ऑफ इश्यू, कौन सी डेट को आपकी जो मार्कशीट है वो इश्यू हुई, मैक्सिमम मार्क्स कितने मिले आपको ITI में, कितने मार्क्स आपको यहाँ पे प्राप्त हुए और यहाँ पे आपके परसेंटेज शो हो जाएंगे। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। एवरेज परसेंटेज आपको ए और बी में और उनको मल्टीप्लाई करके बताना है कि कितने मिले, वो आपके टोटल परसेंटेज यहाँ पे आपको फिल कर देने हैं। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है एड्रेस डिटेल्स। एड्रेस डिटेल्स में आपको यहाँ पे अपना जो लोकल है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे अपना जो विलेज का नाम है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। सिटी का नाम आपको फिलअप करना है। स्टेट कौन सा है वो चूज कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। पिन कोड आपको दर्ज कर देना है। अगर आपका यहाँ पे वर्तमान पता और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करना है।
तो आपके यहाँ पे ये वाली डिटेल्स इधर आपकी यहाँ पे कॉपी ऑटोमेटिक हो जाती है। अब आपको नीचे आना है। अब आपको यहाँ पे जो फ़ोटो है आपको यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। मैक्सिमम साइज़ आपकी 70 KB रहेगी, मिनिमम आपकी 20 KB से रहेगी ऊपर, और JPG फॉर्मेट में फ़ोटो होनी चाहिए। उन यहाँ पर पहले ही निर्देश दिया जा चुका है कि जो फ़ोटो आप अपलोड करोगे उसको आपको यहाँ पे उसकी कुछ कॉपीज़ आपको अपने पास रखनी है। यहाँ पर आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसके बाद आपको यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करना और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे जो है फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे प्रीव्यू अगर बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर कोई गलती है तो आप एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पे अगर वापस से फॉर्म एक बार रीचेक करना चाहते हैं तो व्यू एडिट पे क्लिक कर देते हैं। अगर अन्यथा आप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके पास OBC से हैं तो आपको यहाँ पे फॉर्म जो है पैसे आपको यहाँ पे करने होंगे। तो हम यहाँ पे फीस पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारे ऊपर डिटेल्स आ जाती है। तो अब यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, कैश, जो भी जिसे भी करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड, यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड के नंबर आपको फिलअप करने हैं, कौन से ईयर कौन से मंथ में एक्सपायर होगा वो आपको मंथ एक चूज़ करना है, ईयर कौन सा है वो सेलेक्ट कर लेना है, कि अपने यहाँ पे CV आपको टाइप करिए और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका फॉर्म का जो प्रीव्यू है, जो फॉर्म की प्रिंट आउट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उसको आपको संभाल कर रख लेना है। इस तरह से आप जो RRC है उसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।